सलमान खान का रियलिटी शो एक बार फिर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया है और इस बार भी इस शो के एक कंटेस्टेंट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल रिसेंटली शो के एक कंटेस्टेंट एजाज खान ने एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इस शो में कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। वैसे शो के टेलीकास्ट के दौरान इस विजुअल को चैनल ने नहीं दिखाया, लेकिन इंटरनेट पर जरूर इस विजुअल को अपलोड कर दिया गया और जैसे ही इस बात की जानकारी उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को लगे, इस शो के वेन्यू के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। सोर्सेज की माने तो इस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने सलमान खान के खिलाफ ही एक एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि सलमान खान इस शो को होस्ट करते हैं। इस मामले में पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर एजाज खान ने पब्लिकली माफी नहीं मांगे तो वो सलमान खान के घर के बाहर और इस शो को ऑन एयर करने वाले चैनल के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल के लिए इस मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब देखने वाली बात होगी कि इस चैनल का और सलमान का इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।